नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय कुमार गुंजन के निर्देशन में फूड विभाग टीम ने विजय चौराहा स्थित SSC एकेडमी में ड्राइंग प्रतियोगिता, डिबेट प्रतियोगिता समेत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। इसके बाद स्कूली छात्रों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पुष्प दंत जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए स्कूली बच्चों ने स्लोगन लिखा प्लेट लेकर लोगों को जागरूकता किया कि जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ना करें। खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच जरूर कर लें। कार्यक्रम में मुख्य सुरक्षा अधिकारी हितेन मोहन त्रिपाठी, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अनूप अग्रवाल समेत विभिन्न लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा, बहुत ही खुशी की बात है कि SS एकेडमी विद्यालय द्वारा यहाँ पर एक जागरूकता रैली खाद्य सुरक्षा विभाग और SS एकेडमी के द्वारा यह आयोजन किया गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर खाद्य पदार्थ अच्छे खाएंगे तो उनका शरीर भी उतना ही अच्छा होगा, और किस तरह से दूसरे तरह का पदार्थ खाएंगे तो उस शरीर में कितना नुकसान होगा। यह जागरूकता करने के लिए लोगों के बीच में ये बच्चे जा रहे हैं और बहुत अच्छा अभियान है। निश्चित रूप से इससे लोगों को लाभ मिलेगा। आजकल जंक फूड जो है, बहुत से बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है, उनके शरीर को कितना नुकसान कर रहा है, हथेलियों को नुकसान कर रहा है। तो आदमी को शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से उनका मन भी उतना ही अच्छा होता है, शरीर भी अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से हर आदमी को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, नियमित भोजन करना चाहिए, और नियमित भोजन करने से अच्छे शरीर का वातावरण अच्छा होता है, लोगों का मन अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से यह अच्छा प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। जनपद में फागुन एग्जीबिशन का एक निजी हॉल में आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद की विभिन्न महिलाओं के द्वारा विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में रोटरी क्लब की अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने बताया कि ये हमारी होली कुल्ली का प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें 60 से ज्यादा स्टॉल लगाया गया है। इसमें गोरखपुर की सभी महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें घरेलू वस्तुएं, बेडशीट, बच्चों के खिलौने, होली के रंग, गुलाल, पिचकारी शामिल है। हमने प्रयास किया है कि हर तरह की वस्तुएं एक ही जगह उपलब्ध हों। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोटरी क्लब की अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने कहा, ये हमारा एग्जीबिशन है, फागुन एग्जीबिशन है, और इसमें हम रोटरी यूफोरिया और साई मेहर दोनों ने मिलके ये एग्जीबिशन लगाया है। इसमें 60 से ऊपर स्टॉल्स हैं और पूरे गोरखपुर में जगह जगह से हर तरफ से हमने बुलाया है इनको स्टॉल लगाने के लिए। इसमें हर तरह के हैं, होम घर से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, कपड़े भी हैं, बेडशीट हैं, बच्चों के खिलौने हैं, होली से रिलेटेड, अभी होली का मतलब ये एग्जीबिशन है तो होली से रिलेटेड रंग, गुलाल, पिचकारी ये सब भी है। फिर बच्चों का अभी नया सेशन होने वाला है तो स्कूल से रिलेटेड भी सारी तरह की चीज़ें हैं, और इसमें हमने कोशिश की है कि हर तरह की हर चीज़ें एक जगह पे अवेलेबल हो जाए। हम एक दिन का ही, हाँ, ये एक दिन का हमारा सुबह 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का एक दिन का ये इवेंट है हमारा। और कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ के लोग इसमें प्रदर्शन में? पूरे गोरखपुर के सारे तरफ के ही लोग आए हैं। हाँ, नाम होता है मेरा श्वेता अग्रवाल, रोटरी क्लब यूफोरिया प्रेसिडेंट ऑफ। जनपद में होली पर्व पर मार्केट में कार्टून वाली पिचकारियों को जमकर बिक्री हो रही है, जिसके संबंध में दुकानदार मनीष कुमार पटवा ने बताया कि इस समय सबसे ज्यादा कार्टून वाली पिचकारी डोरेमोन की जमकर बिक्री हो रही है। इसके साथ ही गदर 2 की हथौड़ा पिचकारी भी धूम मचा रही है, जो कि इस समय शॉर्ट चल रही है, और पबजी की बंदूक भी काफ़ी बिक रही है। इसके अलावा डोरेमोन, स्पाइडरमैन, छोटा भीम, वाटर टैंक, घोड़ा, पिस्टल वाले पिचकारी की जमकर बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बिक्री ठीक है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए दुकानदार मनीष कुमार पटवा, देवानंद पटवा, विनोद कुमार ने कहा, बच्चों के पसंदीदा चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जैसे डोरेमोन हुआ, एंग्री बर्ड हुआ, और भी जो खिलौने होते हैं जिसमें डिज़ाइन बच्चों से रिलेटेड होता है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। कार्टून टाइप के भी देख रहे हैं, कई पिचकारी आ रहे हैं कार्टून में है, जैसे चेहरे जो होते हैं डोरेमोन के होता है, स्पाइडरमैन का हो गया, हल्क का हो गया, ड्रैकुला हो गया, ये सारे जितने डिज़ाइन होते हैं इन सबों का बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं बच्चे। ये छोटा भी कई तरह का है,
छोटे भी हैं तमाम तरह के। मैक्सिमम इसमें जो भी रिलेशन होता है वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, खासकर ये सिंगल पीस वाली जो पाइप होती है ये ज़बरदस्त इसका रेंज होता है, इसमें डिफेक्ट कम निकलता है और बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से पसंद करते हैं। देवानंद पटवा बिक्री कैसी है? बिक्री ज़बरदस्त बढ़िया। क्या रेट में चल रहा है? रेट 10 रुपये से स्टार्ट होता है, बाकी ऊपर जितना रेंज कस्टमर के ऊपर है वो। होली आने वाला है, कौन सी पिचकारी समय मार्केट में सबसे धूम मचा रही है? मार्केट में सबसे धूम मचाई थी गदर 2 में, जो हथौरा सहदेवल लेके चले थे गदर 2 के धमाल मचाए थे, तो मार्केट में इसको लेके बच्चों की मांग बहुत ज़्यादा हुई और उसकी शार्टेज भी हो रही है। पबजी के बंदूक आए थे जो बच्चों के लिए बहुत पसंद आई है। अब कई वैरायटी पे जैसे छोटी भीम हो गया, डोरेमोन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, बहुत तरीके से पिचकारी आई थी मार्केट में, डिमांडेड है। मार्केट की स्थिति तो अच्छी जा रही है और अच्छी जाएगी, शार्टेज चल रही है। हाँ बढ़िया। मनीष कुमार पटवा। मार्केट में कौन कौन सी पिचकारियाँ ज़्यादा धूम मचा रही हैं? इस समय सबसे ज़्यादा धूम मचा रही हैं प्रेशर वाली पिचकारियाँ और टैंक। सबसे ज़्यादा बच्चों को लुभाने वाले कार्टून कैरेक्टर के टैंक आए हुए हैं तरह तरह के, उसमें और भी तमाम स्प्रे टाइप के आए हुए हैं प्रेशर में। और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े गन लगे हुए हैं। अभी क्या है कि सबसे बड़े बड़े गन का सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, सबसे ज़्यादा डिमांड प्रेशर से चलने वाली पिचकारियों की है। बिक्री ठीक है, अच्छी चल रही है। विनोद कुमार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने विश्वविद्यालय परिसर के पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग गया है। गोरखपुर में 1 जून को मतदान होगा, जिसको लेकर हम लोग पोलिंग पार्टियों के रवाना स्थल काउंटिंग स्थल का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही सभी बूथों का अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, हम लोग CCTV कैमरा से सभी लोगों के ऊपर नज़र रखे हैं जिससे चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होगा। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आचार संहिता को लेकर बार बार सवाल उठते हैं और पुलिस से भी कई तरीके का आवाज, तो क्या तैयारी है पहले से आप लोग अभी कर रखे हैं? देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है, जनपद गोरखपुर में 3 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। इससे संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पूरे पुलिस और प्रशासन के टीम्स द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमण किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन हो, सभी लोग उसका पालन करें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। लगातार छोटे छोटे इंसिडेंट्स की ब्रीफिंग ली जा रही है, किसी भी स्थिति में ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जो चुनाव को प्रभावित कर सके। साथ ही साथ इस बार सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है वो त्रिनेत्र के जो हमारे कैमराज हैं, चाहे वो हर घर कैमरा हो, चाहे हमारे चौराहे पर लगे कैमरा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, इवन जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहाँ पे आवागमन हो रहा है, वो सभी चीज़ CCTV कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और बहुत ही पारदर्शी और पीसफुल इलेक्शंस करवाया जा सके, लगातार इसमें डेली तैयारियाँ चल रही है।